हो चुकी है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट में से पेंसिल ब्रश की हेल्प से ग्रे कलर पिक कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर्स में और आईलिड एरिया पे उसको अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग इज माई फेवरेट पार्ट, और पेशेंस के साथ करो तो बहुत अच्छा आई मेकअप होता है। सो यहाँ मैं सेलो टेप का यूज़ करके सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ और अपने आउटर एरियाज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। बिकॉज अगर आप न्यू हो, बिगनर हो आई मेकअप के लिए, तो आप यूज कर सकते हो आई मेकअप, ऐसे एक काफ़ी अच्छा शेप में आ जाता है। और आई एम ऑल्सो अ बिगनर, तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाता है और अच्छा लगता है आई मेकअप। तो यहाँ मैं से डार्क मैरून शेप पिक कर रही हूँ अपने ब्रश से और ट्रांजिट एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं ऊपर तो मैं ट्रांजिट एरिया से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप मुझे थोड़ा सा मोस्टली थोड़ा ड्रामेटिक चाहिए, लेकिन मैंने नीचे आउटर कॉर्नर पर ग्रेइश कलर का इफेक्ट दिया है। सो यहाँ मैं मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ, और ब्लैक कलर से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर से। आप चाहे कितने भी कलर्स कर यूज़ कर लो, पर उसको ब्लेंडिंग अच्छे से करो तो आई मेकअप बहुत अच्छा उभर के आता है। सो यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से सिल्वर कलर पिक कर रही हूँ। सो यहाँ मैंने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर दिया है, ट्रांजिट एरिया में मैरून कलर दिया है, और आईली डी रैप पे सिल्वर कलर दिया है। तो यू कैन सी कि मैं एक तरफ सिल्वर कलर अप्लाई कर रही हूँ और ऑन द सेकेंड हैंड मैं ब्लैक कलर से अपने आउटर एरियाज़ को ब्लेंड भी कर रही हूँ, ताकि पूरा आई मेकअप और ज़रा अच्छा लगे। सो यहाँ मैं आई मेकअप करने के बाद, आई शेडो के प्रॉपर लगाने के बाद, मैं यहाँ पर ऑल टाइम माई फेवरेट लैक्मी आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और उसको विंग्स बना रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ हाइपरकर्ल हलैक्मी मस्कारा, जो काफ़ी अच्छा मस्कारा है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई फॉल्सिस, सो यू कैन गो फॉर दिस मस्कारा। यू कैन सी कि विद इन अ सेकेंड और 1-2 क्वार्ट में यह आपको बहुत अच्छे से फॉल्सिस दे देता है। सो यहाँ मैंने अपनी सेलो टेप रिमूव कर दी है, और नाउ स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप। सो यहाँ आपको पता है कि अब राखी का दिन है, राखी के का मेकअप हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। आप बाहर, घर से बाहर भी जाओगे ऑफकोर्स, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन रेज। सो यहाँ उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ करेक्टर इनसाइट, ऑल टाइम माई फेवरेट इनसाइट करेक्टर, काफ़ी अच्छा करेक्टर है। और यहाँ पर मैं डार्क सर्कल, जिसकी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है या फेस अनइवन है या फिर ब्लैक एरियाज़ है, तो वो करेक्टर यूज़ कर सकता है। ऑरेंज करेक्टर उनको यूज़ करना चाहिए। और मेरे यहाँ पर बिल्कुल पिंपल्स नहीं है और बिल्कुल पिगमेंटेशन मेरे फेस पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे डार्क सर्कल से हल्के से, बिकॉज ऑफ द नाइट शिफ्ट मैं नाइट शिफ्ट करती इस वजह से। सो यहाँ मैंने एक करेक्टर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर लिया है, और यहाँ पर मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ऑल टाइम माई फेवरेट फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 228। सो यहाँ डॉट डॉट करके फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंट इन दिस वीडियो, कि यहाँ पर पहले मैंने वन साइड का फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी द फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद यू कैन सी द वन साइड ऑफ देयर मेक वन साइड ऑफ योर फेस और द अदर साइड ऑफ फेस, कितना डिफरेंस आ जाता है। सो ब्लेंडिंग आपको अच्छे से करना है, टाइम लेके करना है, और अगर आपके पास सिर्फ एक ही ब्यूटी ब्लेंडर है तो आपको उसके कॉर्नर्स को उसे स्क्वीज करना है और फिर उसको आई एरिया से ब्लेंड करना है, तो काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे। सो यहाँ मैं फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ इन द शेड 1-2-8 वॉर्म बीच, और उसके हेल्प से मैं अपने फेस को बेक कर रही हूँ। आप कई लोग कहते हैं कि कई लोग सिर्फ फाउंडेशन यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ नहीं करते, बट नहीं, पाउडर भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली फाउंडेशन के बाद एक कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर ही आपके मेकअप को एक बेस देता है, या फिर यू कैन सी कि एक प्रॉपर मैट लुक देता है, विच योर मेकअप रियली नीड्स। सो यहाँ मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मुझे अपने अंडर आईज को बेक करना है, तो बेक करने के लिए आई हैव द अनदर ऑप्शन ऑल्सो, आई हैव लैक्मी लूज पाउडर। अब मैं लैक्मी लूज पाउडर को पिक कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आई एरिया को बेक कर रही हूँ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हेयर यू कैन सी, इसको आप पाउडर को अप्लाई करें, 2-3 मिनट तक रखिए, और 2-3 मिनट रखने के बाद ये सेटल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कोई भी पाउडर यूज़ करके उसको रफ ऑफ कर सकते हैं। सो यहाँ मैं यहाँ जैसे लाइक मेकअप आईब्रो, सो यहाँ देखो मैं आईब्रो बना रही हूँ। मैं आज आईब्रो की एक अच्छी वीडियो बना रही हूँ, मतलब मैं हमेशा नॉर्मल बना देती हूँ, लेकिन आप कोई पेंसिल लीजिए, जो भी आपके पास वो आईब्रो पेंसिल है, आप एसिस ब्यूटी की पेंसिल भी काफ़ी अच्छी है, आप वो ही लीजिए, और पहले अपने आईब्रो को डिफाइन कीजिए, उसके कॉर्नर से पहले ड्रॉ कीजिए कि आपकी आईब्रो है कैसे। ड्रॉ करने के बाद
थोड़ा सा उसको ब्लेंड कीजिए, जैसे मैंने आप एज यू कैन सी द वीडियो कि मैंने ब्लेंडिंग किया है ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को, और ब्लेंड करने के बाद ये थोड़ा लाइट लग रहा था डार्क ब्राउन, सो मैंने एसोसिटी की सेम पैलेट से ब्राउन शेड पिक किया और ब्रश की हेल्प से उस ब्राउन शेड को भी ब्लेंड कर रही हूँ। सो हेयर यू कैन सी आईब्रो काफ़ी अच्छी बन जाती है और बहुत ओरिजिनल लगती है, फेक नहीं लगती है, जो हमें बनानी भी चाहिए। और अब मैंने अब एक्स्ट्रा पाउडर को जो मैंने अपने अंडर आई एरिया में रखा था उसको सेटल डाउन करने के लिए उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा था पाउडर ब्रश की हेल्प से। सो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल फ्रॉम लैक्मी रेवोल्यूशन, सेम कंपनी काजल। और लुक काजल अगर आप अप्लाई कर रहे हो पहले काजल अप्लाई कर दो, लेकिन अप्लाई करके आपको छोड़ना नहीं, कोई पेंसिल ब्रश की हेल्प लेकर आप उसको ब्लेंड करो। इट्स रियली गिव्स अ वेरी स्मोकी लुक टू योर आईज, यू कैन सी इन द वीडियो जब काजल लगाया था कितना थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ब्लेंड करते एक आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगने लग गया। सो इट जस्ट अ स्मॉल ट्रिक्स फॉर यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। एंड सेम आई पैलेट से मैं यहाँ पर गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। आई मेकअप अगर आप कर रहे हो और आप इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट ना करो तो आपका आई मेकअप अधूरा लगता है। सो यहाँ मैं कंटोरिंग कर रही हूँ, माई फेवरेट NYB कंटोरिंग स्टिक, सॉफ्ट एंड बटरी स्टिक है ये, बहुत जल्दी डार्क अप्लाई हो जाते हैं इसलिए बहुत लाइट अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपने एक कंटोरिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कंटोरिंग करते हो और अगर आपको ब्रश चाहिए तो आप इस ब्रश के लिए जा सकते हैं, ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से कंटोरिंग में हेल्प करता है। मेरे पास सिर्फ यही ब्रश पड़ा है कंटोरिंग के लिए, बाकी मैं और किसी ब्रश का कंटोरिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा काम कर देता है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो यहाँ पर अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, यू कैन सी हाउ आई एम ब्लेंडिंग। और देखो विद इन अ सेकेंड आफ्टर ब्लेंडिंग फेस पे इतना शार्प हो गया है। कंटोरिंग क्यों चाहिए होता है, फेस को शार्प करने के लिए और आपका फेस वाइटन ना लगे, और विद इन अ सेकेंड देखो फेस शार्प हो गया। और सेकेंड थिंग, अगर आप ये कंटोरिंग ज़रा फैल रही हो और आपको और ज़्यादा शेप में देनी हो तो सेम ये स्टेप आप परफॉर्म करें। एक लूज पाउडर लीजिए और एक ब्रश की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कंटोरिंग जहाँ पर आपने यूज़ करी है उसके नीचे लूज पाउडर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही शार्पनेस से एक बहुत ही शार्प हो जाता है आपका फेस। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का पिंक ब्लशर, यस ADS का पिंक ब्लशर। अप्लाई करने के बाद ADS का जो पिंक ब्लशर है ये मैट ब्लशर है, तो उसको अप्लाई करके पिंक लुक तो जाता है पर काफ़ी मैटिफाइंड लुक होता है। उसको हल्का सा शाइन इफेक्ट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ SFR का ब्लशर इन द शेड आई थिंक 60 शेड है, कुछ कॉपर शेड है, यस इन द कॉपर शेड है। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, द टाइम फॉर लिपस्टिक। हाइलाइटर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे, सो लिपस्टिक को मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहती थी, आई वॉन्ट कि लिपस्टिक कलर और जरा वो भर के आए, तो फर्स्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया अपने लिप्स पे। और उसके बाद से मैं यहाँ पर डार्क मेहरून शेड ले रही हूँ फ्रॉम सिस ब्यूटी लिपस्टिक और उसको अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी कितना अच्छा कलर उठ के आया और फेस मेकअप प्रॉपरली चेंज हो गया है। अगर आपको कोई भी लिपस्टिक थोड़ा सा आपको डार्कन शेड चाहिए तो फर्स्ट अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर लिप्स एंड देन लिपस्टिक। सो यहाँ पर मैंने आईलैशेस भी अप्लाई कर लिया, फॉल्स आईलैशेस। और यहाँ मैं फिर हाइपोकल मेबलिन मस्कारा अपने लो लैशेस एरिया पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ यू कैन सी माय होल फेस मेकअप इज़ डन। सो हियर इज़ माय ड्रेस फॉर राखी। अब मैं ज्वेलरी पहनने के बाद और ड्रेस पहनने के बाद मिलती हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सभी गर्ल्स के साथ जो इस राखी पे ऐसा मेकअप लुक, ट्वी मेकअप लुक, फ्लॉलेस मेकअप लुक क्रिएट करना चाहती है और बहुत सारी फोटोज क्लिक करना चाहती है विद योर ब्रदर्स। सो प्लीज शेयर करना मत भूलेगा। और किसी भी आपको फेस्टिव सीजन पे कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।